हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल इन लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ऑफिशियल आंसर की आप सभी को प्राप्त हो जाएगी और आपको अपना परिणाम आप सभी को ज्ञात हो जाएगा कि आपकी स्थिति कैसी रही या आपका परफॉर्मेंस इस परीक्षा में कैसा रहा। दोस्तों, यदि आप सब यूपीटेट पास कर जाते हैं तो आप सीटेट पे जरा सा भी फोकस ना करें, क्योंकि सीटेट होगा 9 दिसंबर को और उसका जो परिणाम आएगा वह परिणाम लगभग फरवरी तक आएगा। तब तक प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी रहेगी। इसलिए यदि आप यूपीटेट क्वालिफाई कर चुके हो या कर चुकने की संभावना हो तो आप तुरंत प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए लग जाइएगा, क्योंकि जो लिखित परीक्षा का डेट है वह आपको पता होगा 6 जनवरी को है। माने जो आपकी परीक्षा लिखित परीक्षा होनी है वह तय समय 6 जनवरी को ही होगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के मूड में है और वह यह भर्ती समय पे संपन्न करा लेगी। इसलिए आप सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब अगला आपको जो पढ़ाव आएगा वह आएगा कि लिखित परीक्षा में 18 विषय का जो समावेशन है वो कैसे पढ़ा जाए और कहां से पढ़ा जाए। दोस्तों, बहुत सारे YouTube चैनल है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है और सभी ने बेहतर रिजल्ट दिया। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो मेरे नोट्स थे आपके पास रहे होंगे, वहां आप देख लीजिए मेरे नोट्स से कितने क्वेश्चन आए। आपका जो मैंने बताया था कि पर्यावरणीय भूगोल, मैंने जो 4 पेज का नोट्स दिया था उस नोट से फिर 15 से ज्यादा क्वेश्चन फंसे। यदि आपके पास नोट्स होगा तो देख लीजिएगा, इस बार पर्यावरण में उस 4 पेज के नोट से फिर 15 से ज्यादा क्वेश्चन फंसे और मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर थे पर्यावरण के वहां से क्वेश्चन आए। और मैथ जो मैंने पढ़ाया था वो आपने देखा भी होगा और आपको खुद विश्वास हो गया होगा कि नोट्स कैसे थे और आपके जो मेरे वीडियो लेक्चर थे मैथमेटिक्स के वो कितने कारगर आपके लिए साबित हुए। मैंने जो सिलेबस पढ़ाया वही से आपके लिए प्रश्न आया, ये मेरे लिए और आपके लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, अब अगला जो समस्या है, हमें प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए एक अच्छी संस्था और एक अच्छी नोट्स के लिए जो आपको तय समय में आपके मंजिल तक पहुंचा सके, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो समय बचा है आज से लगभग 45 दिन ही बचा हुआ है और 45 दिन में इस बार जो बच्चे क्वालिफाई होकर आएंगे वह कहीं न कहीं क्षण के आ रहे हैं, वह हम सब की तरह है या हमसे बेहतर है। क्योंकि दोस्तों प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा में वही व्यक्ति सम्मिलित हो पाएगा जो यूपीटेट पास हो। दोस्तों, यूपीटेट जो पास होगा वो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा होगा वह आप भी जानते होंगे। कुछ लोग के मार्क्स कितने ज्यादा होंगे, कुछ लोग के मार्क्स कितने कम भी होंगे, लेकिन यहाँ पे एकेडमी भी आपके जुड़े जाएंगे, लेकिन जो आपको फाइनल सिलेक्शन मिलना है वह आपके ऊपर है। माने लिखित भर्ती परीक्षा की जो मेरिट है उससे आप कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। यह 45 दिन आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिनों में से एक है जो आपकी भविष्य निर्धारित कर देगी कि आपका भविष्य कैसा होना है। और आपके सामने 68,500 की वैकेंसी है। लगभग इस यूपीटेट की परीक्षा में लगभग मुझे जो अनुमान है 3 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे लगभग, तो और पहले से जो 1 लाख है वो भी आपके साथ बैठेंगे, बेशक वो 68,500 में सम्मिलित हो गए हो, लेकिन अब जो आपके साथ 4 लाख बैठेंगे कहीं न कहीं कोई किसी से कम नहीं है, तो आपको उनसे बेहतर करना होगा। माने उनसे बेहतर का मतलब जो 68,500 में सबसे बेस्ट होंगे वही अपने भविष्य का सपनों का घर बना सकेंगे। इसके लिए आप सभी को इस रेस में लगातार दौड़ना है और दौड़ने के लिए दोस्तों सबसे सही दिशा निर्देश और परामर्श की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत सारे यूट्यूब चैनल गली गली में, आपको पता होगा, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हर कोचिंग की जितने भी लोग हैं मतलब इस कोचिंग को इस तरह से उन्होंने बना लिया है, उनके यहाँ पुलिस भी पढ़ाएंगे, आईएएस भी पढ़ाएंगे, टीचर भी पढ़ाएंगे, वीडियो भी पढ़ाएंगे, लेखपाल भी पढ़ाएंगे, यूपीटेट भी पढ़ाएंगे, लिखित परीक्षा भी पढ़ाएंगे। बेशक वो उसके विषय में उसका सिलेबस उनको ना पता हो, लेकिन उनका बैनर लगेगा प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा हमारे यहाँ आए निश्चित सफलता प्राप्त करे। दोस्तों, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, यदि आपको लगता है कि मैं बेहतर हूं तो आप मुझसे जुड़िएगा, अन्यथा मत जुड़िएगा, लेकिन एक सलाह मैं दूंगा आपकी, क्योंकि आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं इसलिए मैं आपको
अपना साथी मानते हुए मैं यह परामर्श दूंगा कि एक बार किसी भी संस्था में जुड़ने से पहले आप अपने भविष्य को एक बार देखिएगा और संस्था का इतिहास उठा के देखिएगा। यदि आपको लगे कि वह आपके सपनों को सजो सकते हैं तो आप जुड़िएगा, अन्यथा मत जुड़िएगा, क्योंकि इस बार आपकी जिंदगी किसी भी संस्था से जुड़ी हुई है और आप इसका निर्णय खुद करिएगा, क्योंकि आप एक समझदार और वयस्क है और ये आपको बेहतर पता होगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्या कोई सही दिशा में पता रहा हुआ नहीं? तो इसके लिए आप सभी जिस भी संस्था में एडमिशन लीजिएगा, चाहे आप मेरे यहाँ लीजिएगा, चाहे अपने नजदीकी किसी संस्था में लीजिएगा, उसके बारे में जान लीजिएगा, क्या इनके यहाँ जो टीचर या जो अध्यापक है वो इज्जत है, क्या वो आप पढ़ाने लायक हैं, क्या वो जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए उपयुक्त है, क्या उनका अनुभव आपसे बेहतर है, क्या वह आपके साथ आपके जितना मेहनत कर पाएंगे। यदि आपको लगता है तो उनके साथ जुड़िएगा, अन्यथा आप मत जुड़िएगा, क्योंकि यह 45 दिन आपकी जिंदगी के सबसे अहम होते हैं और मैंने ये देखा है कि जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर ही होता है कि वह यह चाहते हैं उनके पास पैसा आना चाहिए, वो आपकी जिंदगी से उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो बेहतर पढ़ाते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, तो मैं ये जज नहीं कर सकता, मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं, वो अधिकार आपके पास है, इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे कि कौन बेहतर पढ़ाता है कौन बेहतर नहीं पढ़ाता है। और तमाम आप किसी भी कोचिंग संस्थान के बारे में जानने के लिए उसके एसोसिएट को मिला लीजिएगा, जो कोचिंग संस्थान एसोसिएट नहीं सही जारी कर पाते वो क्या पढ़ाएंगे। मैं एक अभ्यर्थी हूँ और इस अभ्यर्थी होने के नाते मैंने कहा, इसलिए मैंने भी पूरी आंसर की नहीं जारी की कि मुझे लगा कुछ क्वेश्चन ऐसे विवादित है, अगर मैं ऐसे आंसर की बना के दूंगा तो कहीं ना कहीं आप उसको जो विश्वास करते हैं अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो भरोसा उड़ जाएगा। आज तक की टाइम थी, आज आपका ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगा पीएनपी से, आप मिलाकर संतुष्ट हो जाइएगा। फिर यदि आपको लगेगा कि आप क्वालिफाई है तो आपका मेरे यहाँ बेहतर विकल्प के तौर पे मैं आपके लिए कारगर हो सकता हूँ। दोस्तों, इस बार जो प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा का सिलेबस है वह ब्रॉड है और हो सकता है सरकार जब इसकी जियो जारी करे कुछ परिवर्तन कर दे सिलेबस में, लेकिन मैं अभी पुराने सिलेबस को एक आधार मानते हुए चल रहा हूँ और नए सिलेबस का इंतजार करूंगा। दोस्तों, मेरे साथ एक पूरी तरह से ऊर्जावान एक पूरी टीम लगी हुई है, वह टीम आपके लिखित परीक्षा के लिए आपके साथ है और मैं इस बात का भरोसा भी दिला सकता हूं कि यह प्रदेश की सबसे बेहतर लिखित परीक्षा की टीम में से एक है, जो पीछे यूपीटेट के परिणाम में मेरे यहाँ से लगभग 95% रिजल्ट रहा कि मेरे यहाँ से लगभग 90% से ज्यादा लोग यूपीटेट क्वालिफाई हुए। यह उनकी मेहनत का और मेरे सही दिशा निर्देशन का सबसे बड़ा परिणाम है और आपने भी देखा होगा अगर आप तक मेरा नोट्स पहुंचा होगा तो कितना बेहतर रहा होगा या कितना किफायती रहा होगा यह मुझसे ज्यादा आप जज कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू ढंग का फर्जी कमेंट करते हैं, वीडियो को अनलाइक करते हैं, फिर भी मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं ये उनको बताना चाहता हूं, वही लोग ऐसे हैं जो मुझे सही काम करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बेशक वो मेरी वीडियो को अनलाइक करें, बेशक वो कमेंट में कुछ भी लिखे, क्योंकि जिस इंसान की जैसी भावना रहती है, जिसका इसका विचार रहता है, जिसकी परिवार की परवरिश रहती है, उसी तरह का वो वक्तव्य देता है, उसी तरह का वो हमारे साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए मैं उनके जैसा नहीं हूँ, इसलिए मैं उनके किसी भी कमेंट का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। फिर भी आपको मैं बता दूं, मेरे यहाँ हिंदी इस बार सुनील सर, मेरे यहाँ हिंदी के 3 टीचर, अंग्रेजी के, मैथ के, मैथ तो आप लोग जानते ही हैं, जीएस के, एक ऐसा पूरा टीम है जिसके लिए आपको कल से लगातार क्लास की वीडियोस मिलेंगी, जो ऐसी वीडियो होंगी चलते हुए क्लास में मैं आपको बना के दूंगा, ताकि आप यह ना कह सके कि नहीं सर आप पढ़ाते कुछ और हैं और हम लोग वीडियो में कुछ और देते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे जो किताब में देख के पढ़ा के आपको बेहतर छपा देते हैं, किताब लाते हैं वही देख के आपको छपा देते हैं और आपको लगता है नहीं ये बेहतर पढ़ा रहे, बेशक वो बेहतर पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब सब समझदार हो गए हैं और एक अध्यापक बनने के लाइन में खड़े चुके हैं और हम आपको भावी अध्यापक के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि आप एक स्टेज पार कर चुके हैं और दूसरे स्टेज के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग, यदि आपको लगता है मैं आपके लिए बेहतर विकल्प हूँ, अगर आपको लगता है, यदि आप मुझे जज कर पा रहे तो बेशक आपका स्वागत है, यदि आपको लगता है मैं बेहतर विकल्प आपके लिए नहीं हूँ तो आप कहीं भी जाइए, क्योंकि यह जिंदगी का सबसे अहम रोल है और यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं और अगर वो शर्त को फॉलो कर देते हैं तो मैं आपको 100% लिखित परीक्षा में परिणाम दूंगा। दोस्तों, मेरी जो क्लासेस चलेंगी वो 4 घंटे की चलेंगी और
इस सभी चार घंटे में मैं आपको डेली का वर्क दूंगा। मैंने पूरा 40 दिन का पूरा रूटीन बना लिया है, उसी रूटीन के साथ मैं काम करूंगा। दोस्तों यह जो मेरी बैच चलेगी वह 21 नवंबर से लेके हम 31 दिसंबर माने 40 दिन तक मेरी बैच चलेगी। और 40 दिन में मैंने 40 दिन का पूरा बना लिया है, पूरा सिलेबस मुझे किस क्रम से पढ़ा के किस क्रम में खत्म करना है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ जुड़ना नहीं पसंद करेंगे। हो सकता है कि वो बहुत सारे छोटी छोटी जो दुकानों वाली कोचिंग होती है लोग वहां पे जाके जुड़े पढ़े, अपना समय बर्बाद करें ना करें, हो सकता है वो मुझसे बेहतर पढ़े, लेकिन मैं उन सभी के लिए लगभग 10,000 जीएस के प्रश्नों का संग्रह किया हूं, जो मैं प्रतिदिन आपको फ्री में अपने फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश और टेलीग्राम ऐप पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे प्रतिदिन आपको मैं लगभग 200 क्वेश्चन का संग्रह दूंगा, 150 से 200 क्वेश्चन। 40 दिन में मैं आपको लगभग 8,000 प्रश्नों का संग्रह दे दूंगा, जो आपके लिए काफी किफायती होगा और आपके भविष्य की जो चाबी है उसमें वह कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम करेंगी। दोस्तों उससे क्या होगा, अगर बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व किए रहेंगे तो चीजें आपके माइंड में बनी रहेंगी, कहीं न कहीं घर पे आपको होमवर्क करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों यह 45 दिन या 40 दिन आपके लिए बहुत निर्णायक है। यदि आप मुझे अपने प्रतिदिन 10 घंटे देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यह जो ये परीक्षा है, जो इसका मेरिट बनना है या जो सहायक अध्यापक बनने का जो लक्ष्य है, मैं आपकी झोली में जरूर डाल दूंगा। मैंने सभी विषयों का पूरा एकदम कलेक्शन नोट्स तैयार कर लिया, लेकिन ये नोट्स आपको 11 तारीख से मिल पाएंगे। दोस्तों उसके पहले आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मेरी ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन नोट्स, ऑफलाइन दोनों तरह से खुली हुई, आप सभी का स्वागत है। यह कोचिंग जो बैच मेरी चलेगी वह चलेगी 21 नवंबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक। इस 40 दिनों में मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं आपको पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको बेहतर नोट्स और बेहतर वीडियो लेक्चर और वीडियो के साथ मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप मेरे साथ प्रतिदिन 10 घंटा दे सकते हैं या आध घंटा दे सकते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अन्यथा आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप जाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इलाहाबाद में जाते हैं, हजारों लाखों की भीड़ में पढ़ते हैं और लोग क्या करते हैं, बस आए टीचर पढ़ाए पढ़ा गए, उनका काम खत्म। लेकिन मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आपकी नियुक्ति न हो जाए। इसके लिए मैंने जो जीएस का सिलेबस है, जीएस में क्या क्या आपका 20 नंबर का जनरल स्टडी है, फिर 10 नंबर का जो साइंस है, 30 नंबर करेंट अफेयर और विविध है, और 5 नंबर का आपका कंप्यूटर है, और 5 नंबर का वो है आपका अतिरिक्त क्या है एक करके है ना, तो कुल मिला के जो 70 नंबर का सिलेबस है, इसके लिए मैंने आपका 10,000 प्रश्नों का संग्रह बनाया है। और यह प्रश्न का डेली मैं अपने कोचिंग संस्थान में और ऑनलाइन में डेली में आपको भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ये 10,000 प्रश्नों का संग्रह है, मैं प्रयास करूंगा इसको भी 8,000 करने में, क्योंकि ज्यादा आपके लिए समस्या हो जाएगी, आपको पढ़ना है, मैं ये डेली दूंगा। यह मैं इसलिए दूंगा अगर आप मेरी कोचिंग तक आने में अगर रास्ते सारे हैं तो प्रिंट निकाल के दे दूंगा, बस उसे पढ़ते हुए आप आइए और पढ़ते हुए जाइए, ताकि आपका कोई समय बर्बाद ना हो। आप खाना बनाते समय पेज को रखिए, खाना बनाते रहिए, जब तक का खाना पका तब तक आपके 200 क्वेश्चन रट गए। इसलिए या अगर 8,000 क्वेश्चन रिपीट कर देंगे तो मेरी एक गारंटी है कि उसमें कम से कम 40 प्रश्न तो हूबहू पूछे जाएंगे परीक्षा में, क्योंकि सभी प्रश्नों को मैंने घुमा के इतनी तरह से बना दिया है। एक कई प्रश्न को जैसे एक प्रश्न आज मिला तो वही प्रश्न आपको एक हफ्ते बाद फिर मिलेगा, लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल जाएगा, तो इससे क्या होगा वह चीजें रिपीट हो जाएंगी, रिमाइंड हो जाएंगी और पूरी तरह दिमाग में सेट हो जाएंगी और आप कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम देंगे। और ये इसलिए मैंने दिया कि आपके पार्ट टाइम पढ़ने के लिए, ये कोचिंग के बाद पढ़नी है, करंट अफेयर, मैंने सभी का पूरा समावेशन कर दिया है ताकि आप बेहतर परिणाम दे सके। और इस बार जो असली लड़ाई है वो जीएस की होगी, और जीएस के लिए इस बार जीएस मैं पढ़ाऊंगा, मैं दुर्गेश जायसवाल। और रही बात आप मुझ पर भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, इसके लिए आप मेरी ऑनलाइन वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी और संविधान की वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे चैनल आपको पढ़ाएंगे बताएंगे वो आपको पीएचडी कराने लगते हैं,
मतलब इतने मोटे मोटे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे लेक्चर देंगे, मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेकर चलूंगा, सिलेबस के बाहर नहीं जाऊंगा, सिलेबस के अंदर रहूंगा और सिलेबस के बाहर तब जाऊंगा जहां तक लगेगा इस टॉपिक से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी की तरह तर्ज पे मैं शुरुआत करूंगा, बस आप मुझे साथ दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मैं साथ को परिणाम बदलूंगा, मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी और यदि आपको लगता है मैं आपके लिए बेहतर विकल्प हूं तो आप मुझसे जरूर जुड़िएगा। आपका स्वागत है और मैं आपकी सफलता की गारंटी लेता हूं, बस एक शर्त पे, यदि आप मेरे साथ प्रतिदिन 8 से 10 घंटा दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो फिर मैं ये गारंटी नहीं ले पाऊंगा। क्यों? 4 घंटे क्लास में, 6 घंटे घर पे मेहनत कर दीजिए बस, और आपके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटा समय निकाल देंगे और 2 घंटा अदर काम में, 10 घंटा फिर भी आपके पास 14 घंटे बचते हैं, उसमें से आप प्रतिदिन 10 घंटा मुझे देंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि सफलता मैं आपके झोले में डालूंगा। यदि आप एक मेहनती पुरुष है, यदि आप मेहनती महिला है, यदि आप लगता है मेरे साथ प्रतिदिन 10 घंटा मेहनत कर सकती है, 8 घंटा मेहनत कर सकती है, आप जुड़िएगा, मैं परिणाम में उस मेहनत को जरूर बदलूंगा। और बस यही है कि आपको मेहनत करना होगा, अगर आप मेहनत कर सकते हैं आपका मोस्ट वेलकम है। ये मेरी संस्था जौनपुर में चल रही है और आप जौनपुर में आइए, आप सभी का स्वागत है। अगर आप जौनपुर नहीं आ सकते मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए, वहां पे आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल के पूरे नोट्स मिल जाएंगे और ये नोट्स मेरे तैयार हो रहे हैं, जैसे ही सरकार सिलेबस जारी करेगी उसके अगले दिन से ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, उसके पहले से भी आपको नोट्स तैयार है, अगर आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यह नोट्स कितने किफायती है वो आपने देख लिया होगा और इसके बताने के लिए इसके प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और इससे ज्यादा मैं भरोसा नहीं दे सकता। फिर भी आप स्वतंत्र हैं अपनी तरफ से, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मतलब बड़ी बड़ी संस्थाएं जो भी गली में कॉर्नर पे हर जगह आपको शिक्षक भर्ती का बोर्ड लगा नजर आएगा, उस बोर्ड को देखने के बाद उस संस्था में अंदर जाने से पहले एक बार जज कर लीजिएगा क्या यह आपकी भविष्य की चाबी या भविष्य के सपनों का घर बनाने की चाबी उनके पास है अथवा नहीं है। नहीं है तो आप अपना कीमती समय मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि यह आपके भविष्य की सबसे अहम और महत्वपूर्ण 40 दिन है, इसलिए फैसला आपके हाथ में है और आप चाहे तो जैसा करें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और मैं भी कहूंगा आप स्वतंत्र रहिएगा और मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, आपका जो आत्मा जो आपका दिल कहे वही करिएगा, क्योंकि यह हमेशा सही बोलता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, 3 इडियट देख लीजिएगा, मेरी फेवरेट मूवी है, फिर भी अगर मेरी बातों से किसी भी व्यक्ति विशेष को यदि किसी प्रकार का ठेस लगा होगा मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अगर ये वीडियो बेहतर लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है कि जरूरतमंद के लिए मैं काम में आ सकूं और ये 8000 क्वेश्चन उनको मिल सके और वह इनके लिए एक सेतु का काम करे जो नदी के इस पार से उस पार ले जाने का काम करेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।